गणपति बप्पा मोरिया। अभी आप सभी को पता है कि तकरीबन 1.5 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ और 2 महीने से इंस्टाग्राम पर। तो अभी गिन चुन के मुझे ये बताना है कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, मोटिवेशन क्या है, डेडिकेशन क्या है, और फिर मेडिकल का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी फार्मेसी वाले नाम डाला है। तो जो भी है, तो मैं ठीक है, तो मेरा पहले फिक्स नहीं था कि मैं फार्मेसी ही करूँगी, मगर जो सिचुएशन थी, जो इयर्स थे, तो ठीक है, जो हुआ मैं बाद में बताऊंगी। अभी अभी फिलहाल आप ये जान लो कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसा हो जाता है कि मैं 2 दिन कर लूँ, 3 दिन कर लूँ और फिर छोड़ देती हूँ। तो मैंने पिछले भी मेडिकल पे थी तब भी ट्राई किया था, मगर तब टाइम नहीं मिल रहा था, अब टाइम है मेरे पास, तो मैं इसका फुल यूज कर रही हूँ और वीडियो बनाना सीख रही हूँ, बातें करना सीख रही हूँ। तो ठीक है, जो भी है, तो जैसे जैसे मैं पार्टनर को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ तो पार्टनर भी खुश हो रहे हैं, पार्टनर भी नई चीजें सीख रहे हैं, तो मैं भी सीख रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। और लाइफ में ना वाइब जो रहती थी वो कहीं ना कहीं मिस हो गई थी पिछले तकरीबन, मुझे लगता है मेरे लाइफ में तकरीबन से मैं 10th में थी तब से ये सब हो रहा है, वाइब नहीं थी लाइफ में, तो वो वाइब शायद कहीं ना कहीं वीडियो बनाने से वापस आ गई है, इतना जान लो अभी फिलहाल के लिए। अभी बाकी के चीज़ें मैं बाद में बताऊँगी आपको। मेडिकल की वजह से मैंने 1.5 साल में अपनी हेल्थ पे 0% ध्यान दिया है। तो हाँ, टाइम भी वैसा था, सिचुएशन भी वैसी थी, और नया बिजनेस होने के कारण सबसे इम्पोर्टेंट था कि उतना टाइम, उतना डेडिकेशन, मैनेजमेंट सब मैं करूँ। और फिर बिजनेस में अभी हमारे फैमिली से बिजनेस में कोई नहीं है, अगर पार्टनर से मैंने इन्वेस्टमेंट करवाया है तो मेरा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं उस पर पूरा ध्यान दूँ, के काम करना, 12 घंटे मेडिकल संभालना, और फिर पार्टनर की भी कभी एक दिन पार्टनर रहते थे, कभी नहीं रहते थे। तो पार्टनर न होने के कारण मुझे बातें करने के लिए कोई पर्सन नहीं था कि ऐसे मैं बातें करूं और मुझे कोई जज ना करे। तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया, तब से वीडियो, तब इतना टाइम नहीं दे पा रही थी मेडिकल की वजह से, और कहीं ना कहीं वहाँ पे वो वाइब नहीं थी जो चाहिए होती है। यहाँ पे आके वो सब इम्प्रूव हो गए मुझे लगता है, और फिर अभी जो भी है तो सॉरी ठीक है। अभी तो पार्टनर को भी जैसे जैसे इन्वॉल्व कर रही हूँ तो पार्टनर भी खुश हो रहे हैं। पार्टनर बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, अगर आ गया तो बहुत गुस्सा करते, नहीं तो फिर शांत है पार्टनर। और मेरा कैसे है, मैं बड़बड़ करती रहूँगी और मस्ती करती रहूँगी, मगर वो है कि मैं स्पेशल पर्सन जो मेरे बहुत बहुत करीब का है उसी के सामने मैं ओपन अप होती, मेरा नेचर ही ऐसा है अभी। और फिर सामने वाले की वाइब भी मैच होनी चाहिए। ये जान लो अभी कि ये बात मैं बताने नहीं वाली थी इस वीडियो में, मगर अभी ठीक है निकल गई है तो मैं बता देती हूँ कि 10th में मेरे फादर हो गए थे एक्सपायर। तो 10th में फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद 1 साल में ही दीदी की शादी हो गई, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मम्मी के ऊपर आने की वजह से मम्मी काम पे जाती थी, और मैंने 10th कर लिया रेगुलर, और फिर 11th में इरेगुलर कॉलेज कर लिया मैंने। तो वो कहीं ना कहीं घर पे अकेले रहने की वजह से, भाई भी था छोटा था, तो तब भाई छोटा होने के कारण वो भी ऐसा झल्ली सा था, तो वो भी घर पे नहीं रहता था फिर, और मुझ में कैसे ना एक टाइम से पहले ही वो एक्स्ट्रा मैच्योरिटी आ गई फादर नहीं होने के कारण। वैसे मैं बचपन से ही बहुत समझदार थी, समझदार बोले तो बहुत, मम्मी की मैं सबसे, अभी भी मम्मी मुझसे कहती है कि मेरी समझदार बच्ची है करके। ठीक है, अभी ये स्टोरी मैं यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं बताऊँगी तो मैं रो दूँगी अभी यहीं पे। तो ठीक है, फिर मैंने 12वीं के बाद फार्मेसी कर लिया, फिर 1.5-2 साल जॉब भी कर लिया, फिर शादी हो गई मेरी, फिर शादी होने के बाद 1.5 साल बाद ही मैंने मेडिकल का डिसीजन लिया। पार्टनर ने बहुत सपोर्ट किया है, पार्टनर जितना सपोर्ट मेरी मम्मी ने मुझे कितना किया है उतना ही सपोर्ट उतना 1.5 साल में पार्टनर ने मुझे किया है। तो इस जर्नी के सबसे बड़े हकदार जो है तो मेरी मम्मी और पार्टनर है। और मैं देव पापा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये 2 पर्सन उन्होंने मेरे लाइफ में दी है और मुझे भी थोड़ी बहुत सूझबूझ दी है, थोड़ी बहुत।
तो मेरे सपने छोटे छोटे से थे जिनमें से एक कंप्लीट हो गया अभी। बस यही तक आज का स्टोरी रहेगा। और मेडिकल जैसा भी है तो चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत इनकम भी आ रहा है तो मैं खुश अभी हूँ। बहुत सारा कुछ करना है लाइफ में और देखते हैं कैसे जाता है। तो अभी ये छोटा सा पार्ट था जो आपको, मुझे लगा शायद बताना ज़रूरी है तो मैंने बता दिया। बस ऐसी ही कुछ छोटी मोटी कहानियाँ मेरे लाइफ की जो मुझे बहुत स्पेशल लगती है, तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो मिलते हैं।